हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज है डे 8 एंड हम फिर से हाजिर हैं लेके TCS NQT का एक और कोडिंग क्वेश्चन। तो जल्दी से चलते हैं एंड इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द सीजर सिफर इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सिफर इन विच ईच अल्फाबेट इन द प्लेन टेक्स्ट और मैसेज इज शिफ्टेड बाई अ नंबर ऑफ द प्लेसेज डाउन द अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल, विद अ शिफ्ट ऑफ 1, पी वुड बी रिप्लेस्ड बाई क्यू एंड क्यू वुड बी रिप्लेस बाई आर। सो बेसिकली आपके सीजर सिफर में क्या होता है, आपको दी होती है की, यहाँ पर दिया मैं 1 एज अ की एंड हम इंग्लिश लेटर को शिफ्ट करते हैं। सो पी को अगर मैं एक लेटर फॉरवर्ड शिफ्ट करूँ तो पी के बाद आता है क्यू, तो पी कन्वर्ट हो जाता है आपका क्यू में। एंड अगर क्यू की बात करूँ तो क्यू को अगर एक लेटर आगे शिफ्ट करूँ तो क्यू का हो जाता है आर। सो pass an encrypted message from one person to another, it is first necessary that both the parties have the key for the cipher so that the sender may encrypt and the receiver may decrypt it. Key is the number of offset to shift the cipher alphabet. Key can have basic shifts from 1 to 25 positions as there are 26 total alphabet. As we are designing custom scissor cipher, in addition to the alphabet, we are considering numeric digits from 0 to 9. Digit can also be shifted by key place. For example, if a given plain text contain any digit with the value 5, key equals to 2, then 5 will be replaced by 7. So basically, यहाँ पर ये कह रहा है कि numbers को भी हम shift कर सकते हैं। For example, अगर 5 है और 5 पे key है 2, तो 5 को अगर हम 2 place shift करेंगे तो वो होगा 6 and 7. तो इस तरीके से 5 आपका replace हो जाएगा 7. Now, minus will remain as it is. So, ये कहता है कि negative या कोई भी other sign है, so उसमें कोई change नहीं आने वाला, जैसा है वैसा ही रहेगा। Key value less than 0 should result into invalid input. तो अगर आप 0 as an input करते हैं, तो उस केस में आपको invalid input print करना है। So, यहाँ पर इन्हें एक example दिया हुआ है, यहाँ पर इन्हें दिया है plain text all the best and इस पर key दी है 1. So, हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से इसका कन्वर्जन होगा। So, हमने सारे के सारे ASCII कोड पहले से यहाँ पर लिख के रख दिए हैं। So, अब इसमें लेते हैं हम इस, यह आपका इनपुट। So, इस इनपुट को लिखते हैं यहाँ पर एंड इसके आउटपुट का कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। तो अब बात करते हैं आउटपुट की। सो जो की यहाँ पर इन्होंने बताई थी, की होने वाली है हमारी 1। सो मैं की को भी लिख लेता हूँ, तो की होगी हमारी 1। इसको मैं लिख लेता हूँ ऊपर, सो दैट हमारा समझने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। की आ गई हमारी ऊपर, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। सो ए को अगर हम 1 लेटर शिफ्ट करें तो ए का हो जाता है आपका कैपिटल। सो हमें यहाँ पर केस का भी हमेशा ध्यान रखना है। सो केस की बात करें तो आप देखेंगे ए कन्वर्ट हुआ कैपिटल पी में। सो केस का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। नाउ एल है हमारे पास, सो एल को एक लेटर अगर शिफ्ट करेंगे तो एल के बाद आता है आपका एम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एल के बाद आता है एम, सो ये हो जाएगा एम एंड उसके बाद फिर से एल, सो फिर से एम स्पेस के बाद आता है आपका यू, सो आ गया आपका यू। H के बाद आता है आपका I, सो यहाँ पर I। E के बाद आता है आपका F। एंड आप चलते हैं स्पेस, वैसे के वैसे ही रहेंगे सारे। आप चलते हैं B पे, सो B के बाद C, E के बाद आपका F, S के बाद आता है आपका T एंड T के बाद आता है आपका U। सो आपका आउटपुट BMM UIF CFT होने वाला है, BMM UIF CFT। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सेकंड चीज अगर मैंने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर लिखा था स्मॉल डी एंड आउटपुट में मिला हमें कैपिटल सी। सो दोस्तों ये होगा स्मॉल सी, सो यहाँ पर आउटपुट में गलत दिया है तो ये होगा स्मॉल सी। सो आपको आउटपुट मिलने वाला है कुछ इस तरीके से, बट यहाँ पर एक टेस्ट सिनेरियो के बारे में या फिर एक एच केस के बारे में नहीं बताया गया है। वो एच केस क्या है, सपोज कीजिए आपके पास है वैल्यू जेड एंड आपको की मिल जाती है 2, उस केस में आप जेड के बाद है की 2, तो आप
जेड के बाद टू प्लेसेस कहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो जेड के बाद तो कोई अल्फाबेट होता नहीं, तो उसके बाद आप किस तरीके से शिफ्ट करेंगे। सो जब भी ऐसा केस आए, उस केस में आप काउंटिंग को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे वापस से ए से। सो जेड के बाद दोबारा से अगर दो स्टेप चले तो जेड के बाद ए एंड बी। सो इस जेड का कन्वर्जन होगा आपका एस बी। सो इस एज केस को हमें ध्यान में रखते हुए ही अपने कोड को डिजाइन करना है, अपने एल्गोरिथम को डिजाइन करना है। सो और कोई कंडीशन यहाँ पर है नहीं। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी कोडिंग प्रॉब्लम। सो इस कोडिंग प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही साथ कोड आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।